जा रहे हैं एक स्ट्रीट पर वॉक करते हुए, और आगे जो यहाँ का मेन स्ट्रीट है, मतलब कि एक पैलेस है, वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ का भी पूरा लोकेशन आपको दिखाते हैं। अभी देखिए बोर्ड क्रॉस कर रहे हैं, सबकी यहाँ की लाइट जो है ग्रीन हो गई है। देखिए यहाँ रेस्टोरेंट का काफ़ी बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। और देखिए फ्राइज का ये शॉप है, 4:30 से यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। इसका लोकेशन जो है सेंट्रल स्टेशन के ठीक सामने ही है। जब सेंट्रल स्टेशन से सामने की ओर आएंगे पैलेस की ओर, तो उसके बीच में ही आ जाएगा। पीछे है कैब्स और उस साइड में है मैकडोनाल्ड भी है। तो कुछ खाना हो तो यहाँ पे आप सस्ते में खा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना भी काफ़ी कॉस्टली है। उधर सामने है मैडम तुसाद म्यूज़ियम, उसके सामने रॉयल पैलेस भी है। तो चलिए वहाँ पे भी चलते हैं और वहाँ का लोकेशन दिखाते हैं। तो हम लोग आगे हैं डैम स्क्वायर पे, और देखिए हमें पीछे है रॉयल पैलेस, और यहाँ पे कुछ म्यूज़िक भी प्ले हो रहा है, कुछ यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह भी हो रहा है। और सामने ही है मैडम तुसाद म्यूज़ियम, और ये एरिया काफ़ी टूरिस्टिक प्लेस है यहाँ का। समझ लीजिए कि मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया है। और आसपास में काफ़ी सारे ब्रांडेड शॉप्स भी हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है। मुझे तो कलकत्ता के एस्प्लेनेड की याद आ गई, उसी टाइप की यहाँ पे चौल पर और भीड़ है। और यहाँ पे कबूतर भी काफ़ी सारे हैं। आ गए एक पास के स्ट्रीट में, और यहाँ भी काफ़ी प्राइज ओवर के शॉप है, बर्गर किंग भी है, काफ़ी सारे ब्रांडेड शॉप भी यहाँ पे हैं। शाम के हो चुके हैं 7:30, और यहाँ तो अंधेरा 10 बजे होता है। तो यहाँ पे अभी तक शॉप्स खुली हुई है। आज है थर्सडे। डैम स्टोर के पास ही काफ़ी बड़ा प्राइम मार्क का शोरूम है, और यहाँ पे काफ़ी वैराइटीज़ है कपड़े की, और सस्ता भी है। अभी तो इंडियन उसकी काफ़ी भीड़ रहती है। रात के बज गए हैं 9, और अभी भी यहाँ पे धूप है। फिर से लोग बैठ गए हैं यहाँ के ट्रान में, और जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए।